बिहार पहुंचे बागेश्वर धाम के मुखिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों का हुजूम लगा रहा। हालत ऐसी थी कि लोगों से अपील करनी पड़ी पांडाल की तरफ ना आकर अपने घरों से ही कथा सुन ले। ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में सेलिब्रिटी हो गए हैं। हालांकि इस अपील का भी असर नहीं दिखा, लाखों की संख्या में लोग पांडाल तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहे। जब कथा खत्म कर बागेश्वर पटना से विदा होने लगे, एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचे तो लोग सेल्फी लेने के लिए होड़तोड़ लगाने लगे। बागेश्वर के लिए लोगों की सनक देखकर कहा जा सकता है ये अपने भक्तों के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। पटना एयरपोर्ट पहुंचे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कई वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा एयरपोर्ट के अंदर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। हवाई जहाज के आसपास बड़ी संख्या में लोग पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने की होड़। बताया जाता है बाबा के भक्त के साथ ही एयरपोर्ट के स्टाफ भी शामिल थे। इसके साथ ही कुछ यूजर ने ट्रोल किया तो कुछ ने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। यहां तक कि एक यूजर ने लिखा, हमारे बिहारी भाइयों को बाबा से ज्यादा हवाई जहाज देखने की उत्सुकता थी, बाबा का तो बहाना मिल गया। इसी तरीके से बिहारियों की भी मजा ली गई। बता दें कुछ लोगों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में पोस्टर पर कालिक तक पोत दी थी। इस पर जाते जाते बागेश्वर धाम के मुखिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कागज की तस्वीर तो फाड़ सकते हैं, लेकिन बिहार वासियों के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे, वहां उन्हें कैसे निकालोगे। गौरतलब है कि पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी की थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था। बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सियासी पारा भी काफी ज्यादा चढ़ गया। राज्य में बीजेपी एक ओर धीरेन्द्र शास्त्री को खुले तौर पर समर्थन दे रही, दूसरी ओर महागठबंधन से जेडीयू आरजेडी खुलकर उनका विरोध। लेकिन बिहार की सियासत की लड़ाई यूपी पहुंच गई, जिसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में थे, वहां उनके बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोरी, दूसरी ओर उनके बयान से सियासी हलचल भी काफी तेज हुई। ये लड़ाई अब बिहार से यूपी तक पहुंची, जहां आरजेडी को सपा का समर्थन मिलता नजर आया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें यूपी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सपा ने ऐलान किया कि अगर बाबा यूपी में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर आए तो उनका विरोध किया जाएगा। सपा के प्रवक्ता ने कहा, धर्म विशेष के खिलाफ आप अफवाह फैला रहे, ये तब जब आपके खुद के रिश्तेदार उसी धर्म के लोग, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार मुस्लिम नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री ये बताए, क्या या तो वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे या फिर अपने भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं।